आपका चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिवाली का त्यौहार आने वाला है। दिवाली के त्यौहार को लेकर पूरे बाजार में रौनक से लगी हुई है। वहीं दिवाली में सबसे ज्यादा महत्व दियो का होता है। दिए हम बिल्कुल अच्छे तरीके से घी के दिए जलाते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास काट कर अयोध्या वापस लौटे थे। इस खुशी में पूरे अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। तो अगर अब बात चल रही है दिए की, तो हम आपको दिखाएंगे कि दिए कैसे बनते हैं, क्योंकि दिए जो है वो मिट्टी में बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको बनाया जाता है। तो इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। कहते हैं ना, चीज़ों को तोड़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, लेकिन उसको बनाने में काफ़ी समय लगता है। वही हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि ये देखिए, ये दिए बने हुए हैं और यहाँ पर ये सूखने के लिए रखे हुए हैं। सूखने के बाद ये दिए बिल्कुल ऑरेंज कलर के हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे होंगे और मार्केट में ये बिकने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अभी हम आपको यहाँ पर एक और दृश्य दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दिए बन रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि कितनी ज़्यादा मिट्टी की ये खेप यहाँ पर रखी गई है। इस मिट्टी को गीला करके, इसका यूज़ करके, फिर यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से जो कारीगर है वो दियों को बनाते हैं। और ये दिए काफ़ी ज़्यादा बाज़ार में बिकते हैं, बहुत प्रचलित होते हैं और इन दियों का बहुत महत्व होता है। वहीं यहाँ पर हम आपको और तस्वीरें दिखाएंगे कि बहुत ही मेहनत और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन दियों को बनाने के लिए। यहाँ पर ये अंकल जी मौजूद है जो ये दिए बनाने का काम करते हैं। तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि कितनी मेहनत लगती है, एक दिया बनाने में कितना समय लगता है और कैसा इनका जो ये काम है, कैसा चलता है। तो अभी आप पहले तो हम आपको ये सारी तस्वीरें दिखाएंगे, सारी आप देखिए कि किस तरीके से इनको बनाया जाता है। और ये हम आपको लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आप तस्वीर देखिए और आनंद लीजिए। और ये भी देखिए कि कितनी मेहनत से ये दिए बनाए जाते हैं। अंकल जी से बात भी करते हैं और इनसे भी जानते हैं कि अंकल जी को कितनी मेहनत लगी है और कैसे कितने सालों से ये काम करते आ रहे हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। कैसे? ठीक है जी। दिवाली आ रही है, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली जी। तो हम देख रहे हैं काफी मेहनत कर रहे हैं आप, कितने सालों से काम कर रहे हैं? ये जी हमारा जिद्दी काम है, दादे परदादे और माता पिता के साथ ही काम करते आ रहे हैं। यानी आप बिल्कुल अपने बचपन से जो ये काम है ये करते आ रहे हैं। आप यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि मूर्तियाँ वगैरह भी बनाते हैं? नहीं, मूर्तियाँ वाले बनाने वाले और होते हैं, वो भी हमारे प्रजापति होते हैं, पर वो कला और होती है जी, ये कला और होती है। ये जो आप दिए बना रहे हैं, ये इसकी कारीगरी आपको आपके, जैसे आपने बताया कि परदादे दादे सारे काम करते थे, उन्होंने सिखाया? हाँ जी, हमारे माता पिता ने सिखाया ये काम। हम यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी के खेत देख रहे हैं, तो ये मिट्टी कहाँ से आती है? मिट्टी ये आती है जी जहाँ ईंटें बनती हैं ना, भट्टे होते हैं ईंटों के, उस मिट्टी मतलब खेतों में से आती है मिट्टी। बेसिकली ये पंजाब की मिट्टी है? हाँ, ये पंजाब की मिट्टी है और ये शहर से 20-25 किलोमीटर बाहर से आती है। तो ये बताइए कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में? इस काम को करने में बहुत मेहनत होती है, इससे ज़्यादा मेहनत वाला काम हमने अभी तक देखा नहीं है। हाँ जी, और इसकी जो मार्जिन है ना, वो हमें मेहनत कुछ नहीं मिलता, वो सिर्फ परमात्मा ही हमें उसका लाभ देते हैं। कितना का मतलब कितना आपको इसका लाभ मिलता है, क्योंकि इतने सालों से आपके दादे परदादे भी काम करते आ रहे हैं, आप यही काम कर रहे हैं, आपको कितना का प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट इसमें सिर्फ 10% का है। फिर भी आप ये काम कर रहे हैं? हाँ, फिर भी कर रहे हैं, अब और काम हम कर नहीं सकते। आपका इसमें शौक भी है? शौक भी है, शौक तो होता ही है, जब और काम नहीं मिलेगा तो एक काम में मन लगाना पड़ता है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं टोटल? हमारे मतलब दो बेटे थे, एक बेटा नहीं रहा अब, एक बेटी है। तो जो आपके बच्चे हैं वो भी ये काम सीखते हैं या करते हैं? ये बच्चे हमारे ये काम से बहुत नफरत करते हैं जी। नफरत क्यों करते हैं? नफरत इसलिए करते हैं, इसमें एक तो इंसान की
वैल्यू कुछ नहीं समझता समाज। वैल्यू की क्या बात है, आप इतनी मेहनत का काम करे, आपने बताया इससे ज्यादा मेहनत का काम नहीं है कोई। फिर कोई भी सामान लेने आता ना मिट्टी का, तो प्राइस हम बताते हैं उसको, तो वो बोलता है मिट्टी है, और हम कहते हैं हर चीज मिट्टी है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो बिना मिट्टी की नहीं है। हम इंसान भी तो मिट्टी के बने, वही तो रूप अलग है ना मिट्टी के, कहते हैं मरने के बाद भी इंसान मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी की कितनी वैल्यू है, उसके बावजूद लोग आपसे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए समझते हैं ना, अभी हमारे कपड़े सही नहीं रहते, गरीब आदमी को कोई अपने साथ नहीं बिठाता, ये चक्कर। जैसे औरों की दिवाली काफी अच्छी जाती है, आपकी दिवाली हर साल कैसी जाती है? दिवाली हमारी खूब अच्छी जाती है जी, हम थोड़े में खुश हैं, जितने में हमें परमात्मा रख रहा है ना, हम उतने में बहुत खुश हैं, हमें ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है, क्यों कि कितना भी ज़्यादा हो वो सब यही है, ऊपर नहीं लेके गया कोई, जिसको ये समझ आ जाता है उसको फिर कम ज़्यादा की जरूरत ही नहीं रहती। तो इतनी मेहनत का काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे बहुत प्यारे प्यारे दिए बना रहे हैं, बिल्कुल डिज़ाइन डिज़ाइन के गोल से, बिल्कुल चौरस में बहुत ही अच्छी डिज़ाइन के दिए बना रहे हैं, और ऐसा मत सोचिए कि आपकी कोई वैल्यू नहीं करता या आपकी कोई इज्जत नहीं करता, बल्कि आप सबसे ज़्यादा इज्जत का काम करते हैं, और हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए आपके काम से, और लोग ज़्यादातर मिट्टी के दिए लेना ही पसंद करते हैं। तो देख रहे हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको शेप देने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पे कारीगर है, और ये देखिए कि बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे इनका पूरा हाथ बैठा हुआ है इस पे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से शेप दे रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी ऊपर से ही सारा दृश्य दिखाए, क्योंकि अंकल ने बिल्कुल ये बड़ा मिट्टी का खेप लिया और उसको यहाँ पर लगा कर उसको फिर ऊपर से, ये देखिए कैसे उसको शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, डिज़ाइन देने की अब इसको कोशिश की जा रही है, और ये देख सकते हैं आप लाइव, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितनी मेहनत लगती है इन दियों को बनाने के लिए। तो एक दिया निकल गया है, ऐसे कर करके और भी दिए निकलेंगे, तो मैं अपने कैमरामैन से ये भी कहूँगी कि आपको वो भी तस्वीरें दिखाएं जो ये दिए बनकर तैयार हो रहे हैं, कितने सुंदर तरीके से इसको डिज़ाइन दिया जा रहा है, और ये दिए मार्केट में काफ़ी डिमांड में रहते हैं, लोग इन दियों को लेना काफ़ी पसंद करते हैं और इनका ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। दिए बनाने में हमें 5 मिनट लगते हैं, इसको जैसे आपने सुखाने के लिए भी रखा है तो कितने टाइम तक सूख जाते हैं? ये 2 दिन में सूखता है। तो लोग जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली में तो आपकी अच्छी बिक्री होती होगी, लोग आते हैं? अच्छी होती है, बाकी जो होलसेल पे भी आपके पास से लेकर जाते हैं? हाँ हाँ, होलसेल भी बिकता है, रिटेल में भी बिकता है। आप जैसे दिए कलर्स दिए भी बिकते हैं, तो आप कलर भी करके देते हैं या ऐसे नॉर्मली दिए देते हैं? कलर दिए हम बाहर से मंगाते हैं, थोड़ा बहुत खुद करते हैं, नहीं तो बाहर से आता कलर आता है। मतलब आप हर साइज के दिए बनाते हैं? हर साइज के दिए। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं दिवाली आ रही है, श्री रामचंद्र जी आए थे अपने हिंदुस्तान में अयोध्या में, तो उसकी खुशी के लिए ये दिवाली का त्यौहार है, तो आप सब खुशी खुशी दिवाली का त्यौहार मनाएं और दीवे जरूर जलाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितनी मेहनत लगती है इन दियों को बनाने में, और हमने आपको सारी तस्वीरें दिखाई कि बहुत ही मेहनत से ये दिए बनाते हैं, और इनकी एक शिकायत भी है जो कि हम लोगों से भी कहना चाहेंगे कि ऐसे जो मेहनत मजदूरी का जो काम करते हैं, जो इतनी मेहनत से, कहते हैं अंकल ने खुद बताया कि इससे मेहनत वाला काम इन्होंने कभी देखा नहीं था, तो ऐसी मेहनत का जो काम करते हैं उनकी आप वैल्यू कीजिए, और आप भी अपने घर में इस दिवाली दिए ज़रूर जलाइए, खास करके जो मिट्टी के दिए हैं वो जलाना बिल्कुल नहीं भूलिए, और अंकल के ऐसे और भी कई लोग हैं जिनकी जो मेहनत है वो ऐसे रंग लेकर आती है, उनकी मेहनत को भी आप साकार कीजिए, और आखिर में आप सभी को यही कहूँगी कि बिल्कुल इनकी इज्जत कीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए, और हमसे ज़्यादा जो मेहनत है ये करते हैं, तो ये बहुत एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत दुख की भी बात है कि हमारे समाज में कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं जो ऐसे मेहनत करते हैं उनकी वैल्यू नहीं रखते हैं, तो प्लीज़ इनकी वैल्यू भी रखिए, क्योंकि अगर ये दिए नहीं जलाएंगे तो आप अपने घर में दिए कैसे जलाएंगे?
अगर ये ऐसे दिए अच्छे से नहीं बनाएंगे, इनको अच्छे से नहीं रंगेंगे, इनको अच्छा डिज़ाइन नहीं देंगे, तो आप अपने घर में अच्छे और डिज़ाइनर्स दिए कैसे लेकर आएंगे, कैसे जलाएंगे। तो जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगी कि इनकी जो ये जो दिए हैं इनको खरीदिए, और इनकी जो दिवाली है उसको खुशियाँ उनके घर में लाइए, इनकी दिवाली अच्छी बनाइए। और ऐसे ही देखते रहिए आत्मा चैनल, कैमरामैन नवल के साथ नलिनी।